हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास सैमसंग कंपनी का एक 15 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लिखाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। जैसे मैं टीवी को पावर दे देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है और ब्लिंकिंग करते रहता है। मतलब जैसे सिस्टमेटिक है वो ऐसे करते रहता है। उसके बाद जो हमारा स्क्रीन पे पिक्चर आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो चेक करेंगे, क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम है वो हमारा पिक्चर का ही प्रॉब्लम है। ये देखिए, हल्का सा डिम होकर पिक्चर आ रहा है और पिक्चर क्लियर भी नहीं है, और रेड रेड पिक्चर आ रहा है, जैसे ब्लैक और रेड का ऊपर पिक्चर है। और इस वाला प्रॉब्लम को रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना है उसको देखने के लिए पहले हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो हमारा चैनल पे नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं टीवी को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद देखिए, हमारा 15 इंच का ट्यूब है, इसका योक कॉइल, ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा मेन पीसीबी का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा लाइटिंग का प्रॉब्लम है। कलर का सेक्शन प्रॉब्लम होता तो हमारा ये वाला बेस पीसीबी का प्रॉब्लम होता, लेकिन ये हमारा पिक्चर का लाइटिंग प्रॉब्लम। लाइट ज़्यादा नहीं है, हल्का सा लो लाइट आ रहा है और पिक्चर हमारा ब्लैक होके आ रहा है। और इसका कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है वो चेक करने के लिए पहले तो इसका सभी वोल्टेज एक तरह से चेक करना पड़ेगा। जैसे हमारा पावर सेक्शन हो गया, पावर सेक्शन रिलेटेड, पावर सेक्शन शायद सही है दोस्तों, क्योंकि पावर सेक्शन ख़राब होता तो हमारा पावर इंडिकेटर नहीं जलता और टीवी स्टार्टिंग नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, जो भी हो मैं फिर से एक बार पूरी तरह से वोल्टेज को एक एक करके चेक कर लूँगा, तो आप लोगों को देखने भी आसान होगा जो हमारा काम कैसे होता है वो चेक करने के लिए आसान होगा। तो क्या करते हैं, मैं मीटर को 200 रेंज पर रख लेता हूं और एक एक करके वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे तो हमारा पहले तो ईएसटी का जो वोल्टेज होता है, ईएसटी पे जो वोल्टेज रहता है 120 वोल्ट, इस पे चेक करेंगे। ये देखिए 124 बता रहा है, मतलब ईएसटी का रनिंग का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमारा सही है। उसके बाद और दो वोल्टेज तैयार होता है, जैसे एक एक कर चेक करेंगे। ये देखिए, इस पे एक वोल्टेज रहेगा, ये माइनस का वोल्टेज है, ये प्लस का वोल्टेज है, ये 16 वोल्ट वोल्टेज, ये 16 वोल्ट हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है। और एक वोल्टेज रहेगा, देखिए कहाँ से ये वाला जम्पर है, ये देखिए दूसरा जो पॉइंट है, ये जम्पर करके रेजिस्टेंस के देख के इस पर एक डायोड लगाया गया है जो इस पर 12 वोल्ट मिल रहा है, जो 12 वोल्ट हमारा रेगुलेटर सेक्शन के लिए वोल्टेज दिया गया है। मतलब पावर सेक्शन से जो रिलेटेड वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा सही आ रहा है। उसके बाद देखेंगे हमारा रेगुलेटर सेक्शन से जो वोल्टेज तैयार होता है, हमारा ट्यूनर पे 5 वोल्ट पहुँचता है कि नहीं, वो पहुँच रहा है, नहीं तो टीवी स्टार्टिंग भी नहीं तो होता, स्टार्टिंग होता ही नहीं जो हमारा 5 वोल्ट नहीं आता। तो फिर भी एक बार चेक कर देता हूँ। और इस पर जो मेमोरी आईसी लगाया हुआ है, मेमोरी आईसी पे वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे इस पर हमारा 5 वोल्ट मिलेगा, दूसरा नंबर हमारा ग्राउंड होता है, तीसरा नंबर एसीएल 2.4 बता रहा है, 2.6 बता रहा है, और इस पर एसीएल एसडीए 4.4 बता रहा है, 3.8 बता रहा है, वो वोल्टेज डिपार करता रहता है। मतलब हमारा इफम पे भी वोल्टेज सही है, हमारा रेगुलेटर पे वोल्टेज सही है। उसके बाद ईएसटी से जो वोल्टेज तैयार होता है उसको चेक करेंगे। जैसे हमारा ये वाला जो डायोड दिख रहा है, ये डायोड हमारा 180 वोल्ट का, 180 वोल्ट पे कितना वोल्टेज मिलेगा, इस पर 165 मिल रहा है, वो वोल्टेज भी सही है। उसके बाद एक पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा जो 13.3 बता रहा है, और एक नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा जो 13.6 बता रहा है माइनस पे, नेगेटिव वोल्टेज। वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो 13 वोल्ट है वो वाला वोल्टेज आके हमारा ये वाला ईएसटी वर्टिकल सेक्शन पे आता है। ये देखिए, इस पे 13 पॉइंट प्लस आ गया,
और मिडिल पे मिलेगा हमारा 13 वोल्ट माइनस, और तीसरा नंबर पिन पे भी हमारा मिलेगा वही वोल्टेज 13.5। मतलब हमारा जो वर्टिकल आईसी का वोल्टेज वो भी सही आ रहा है। मतलब ई एच टी पे हमारा तीन जो वोल्टेज है 180 वोल्ट, 13 प्लस वोल्टेज और 13 माइनस वोल्टेज वो भी सही निकल रहा है। मतलब ई एच टी से जो वोल्टेज तैयार होता है वो वोल्टेज सही है। उसके बाद भी दोस्तों हमारा पिक्चर डीम होके आ रहा है, हल्का सा एक पिक्चर है, वो पिक्चर हमारा देखने लायक नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसको मैं ए भी लगा लेता हूँ। मैं ए भी को कनेक्ट कर चुका हूँ और देखिए हल्का सा डीम होके लाइट आ रहा है और ये पिक्चर हमारा सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो बता रहा था हमारा लाइट कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट कहाँ से जो फेस लाइट होता है वो पिक्चर होता है वो नहीं आ रहा है। इसके लिए एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ, जो हमारा सिस्टमेटिक लाइट कहाँ से कंट्रोल होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइट हमारा कंट्रोल होता है हमारा ESD से। ESD का जो दो पीसेट होता है, एक तो हमारा फोकस का पीसेट हो गया और एक स्क्रीन का पीसेट हो गया। स्क्रीन का पीसेट हमारा लाइट का अप डाउन करवाता है, कम और ज़्यादा करवाता है। देखिए मैं टीवी को फिर से पावर दिया, पावर इंडिकेटर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद ये हमारा टीवी स्टार्टिंग हो गया है। स्टार्टिंग होने के बाद जो हमारा ESD जो पीसेट ESD का जो पीसेट है, स्क्रीन का पीसेट जब आप बढ़ाएंगे, जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखिए घुमाता हूँ, देखिए फुल बढ़ा दिया, फुल घुमा दिया। घुमाने के बाद भी ऐसे वाला पिक्चर है। मैं डीम इसको जीरो कर देता हूँ, ये देखिए इसको जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद भी यही पिक्चर है और इसको बढ़ाने के बाद भी यही पिक्चर है। मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पीसेट है ये पीसेट हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसका जो फोकस का पीसेट है, देखिए मैं इसको काम करवा देता हूँ, ये देखिए हल्का सा काम कर रहा है। मतलब जो फोकस का क्लियरिटी आता है ये काम करवाता है। लेकिन ये वाला जो स्क्रीन का पीसेट है थोड़ा सा भी अप डाउन कुछ भी नहीं है, ये बढ़ता भी नहीं है कमता भी नहीं है। मतलब ये वाला पीसेट अंदर से ही काट चुका है, मतलब ओपन हो चुका है। ओपन होने के कारण ही हमारा पीसेट काम नहीं कर रहा है और काम नहीं करने के कारण ही हमारा जो स्क्रीन पे लाइट होना चाहिए वो लाइट सही तरीके से नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या करना है दोस्तों, इसको ये वाला जो ESD है ESD को चेंज करना है, क्योंकि ये तो आप पीसेट को चेंज कर नहीं कर सकते हैं, ये ढलाई है पूरे तरह से अंदर में कनेक्टेड है, इसको ओपन करके लूज आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ही ESD को रिप्लेस कर देना है, इसको चेंज कर देना है। और चेंज करने से पहले इसका वोल्टेज नंबर देख लेते हैं। ये देखिए FSV14A004FS ये वाला ESD है। ये ESD को चेंज करके मेरे पास एक नया वाला ESD है, ये देखिए नया वाला ESD, इसको चेंज कर लेंगे। इसको लगा के इसके जगह पे इसको लगा देंगे और लगाने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो नीचे वाला पीसेट काम नहीं कर रहा है ये हमारा ESD का ही प्रॉब्लम है या आदर्श कुछ प्रॉब्लम है। आदर्श कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारा बेस प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, मिडिल साइड पे कुछ नहीं है, ESD से डायरेक्टली हमारा बेस पे कनेक्टेड है। इसीलिए इसको चेंज करने के बाद पीसेट को घुमा के देखेंगे हमारा पीसेट काम करता है कि नहीं। ठीक है, मैं ESD को खोल के नया वाला ESD लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला जो ESD था इसको चेंज करके नया वाला ESD लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद टीवी को फिर से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे दिया और पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे चेक करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ये जो हमारा पीसेट है, पीसेट काम नहीं कर रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए मैं इसको डिम कर चुका हूँ, पूरी तरह से डिम कर चुका हूँ, और डिम करने के बाद ऐसे वाला पिक्चर आ रहा है जैसे हमारा पुराना वाला ESD पे पिक्चर था वो वाला पिक्चर आ रहा है।
लेकिन इसको देखिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, हल्का हल्का सा बढ़ाता हूँ तो देखिए हमारा टीवी का पिक्चर सही हो रहा है। ये देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर ओके है, ओके हो गया। इसके बाद देखिए मैं इसको पूरी तरह से हाई करता हूँ तो ये वाला रिट्रेस आता है जो हमारे EHD पे होना चाहिए, जो हमारे पिक्चर पे, जो पिक्चर ट्यूब पे हाई स्क्रीन वोल्टेज आ जाएगा तो इस हाई स्क्रीन वोल्टेज आ जाएगा तो हमारा ये वाला रिट्रेस आता है। ये रिट्रेस ही हमारा नहीं था, और रिट्रेस नहीं था मतलब हमारा ट्यूब खराब हो गया ये मतलब नहीं है, हमारा बेस खराब हो गया है ये नहीं है, हमारा EHD भी खराब हो सकता है। ये EHD का जो प्रीसेट है, प्रीसेट पूरी तरह से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कर रहा था, इसीलिए मैं नया वाला EHD लगाने के बाद ये हमारा पिक्चर का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। लाइट भी आ चुका है पूरी तरह से, और हमारा ये कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अप डाउन करके आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों जो आज का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और दोस्तों मतलब आज का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। कस्टमर ने मेरे पास टीवी लेके आया था, वो टीवी जब मैंने चेक किया तो हल्का सा डिम होके लाइट आ रहा था और हमारा पिक्चर भी हल्का सा आ रहा था, और मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला EHD ख़राब है। शायद आप लोगों को ऐसे ही लगता है जो पुराना वाला EHD का ये पीसेट बढ़ाने से हो जाता, लेकिन ये पीसेट ही ख़राब था, और ये पीसेट को अप डाउन करने से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा था। इसीलिए क्या किया मैंने, ये वाला EHD चेंज कर दिया, नया वाला लगा दिया, और लगाने के बाद ये वाला पीसेट को घुमा के आप लोग लाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा टीवी का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, और ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है दोस्तों ये हमारा ये वाला हमारा कैमरे का वजह से फ्लिकरिंग हो रहा है, नहीं तो हमारा टीवी का पिक्चर स्टैंड है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।